नमस्कार दोस्तों, हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हैदराबाद का सेकंड डे है और रेसेस स्टार्ट हो रही है 1:30 पे, 1:30 PM। 1200 मीटर की पहली रेस है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा है कि आपको प्रॉफिट हो जाए तो रेस ड्रॉप करना और रेस का आनंद लेना। दोस्तों, आज कार्ड बहुत अच्छा है। अगर उम्मीद के हिसाब से घोड़े मारे तो पैसे अच्छे आप लोगों को अर्न हो सकते हैं। अब पहली रेस आते हैं टिप्स में। पहली रेस 1200 मीटर 1:30 PM पे है दोस्तों। 3 ईयर्स ओल्ड घोड़ों की रेसेस है दोस्तों। इसमें जो बेस्ट घोड़ा है दोस्तों वो है नंबर 4। 3 टाइम्स से ट्राई कर रहा है दोस्तों। ये पक्का विन होना चाहिए, प्लेस तो डेफिनेट होनी ही चाहिए। अगर प्लेस अच्छी मिल जाए तो प्लेस के लिए, लेकिन विन तो डेफिनेटली 100% विन के लिए दोस्तों। बहुत अच्छा घोड़ा है। अब आते हैं इसमें, अगर कोई फ्लूक्स अगर करता है दोस्तों इसमें, क्योंकि देखिए सिंगल हॉर्स जो मैं विन प्लेस दे रहा हूँ उसको के लिए, अगर भाव अच्छे मिले, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़े भाव अच्छे मिलने वाले कोई घोड़े मिल जाए तो और अच्छा है, तो चांस लेने की बात है भाई, चांस। तो उसमें नंबर 8 जेसस, इस पर आप चांस ले सकते हैं। और एक घोड़ा है इसमें जो कि आपको ट्राई कर सकता है, वो है नंबर 15 मिस लिटिल एंजल, जो ए विक्रांत राइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हॉर्स नंबर सेकंड, रेस नंबर सेकंड पे। रेस नंबर सेकंड 1200 मीटर की है दोस्तों। क्लास 4th की रेस है। 2:05 पे है दोस्तों। इसमें जो गुड करके घोड़ा है दोस्तों वो है दोस्तों नंबर 5 ब्लू वायलेंट। ये विन प्लेस के लिए आप लगाइए, प्लेस अगर अच्छी मिले तो प्लेस ही के लिए बेटर रहता है दोस्तों, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसमें 2-3 घोड़े बहुत अच्छे हैं। एक तो 6 नंबर कास्टेलियन भी अच्छा है और कास्टल रॉक 4 नंबर भी अच्छा है। ऑल द टाइम लीजेंड भी है अक्षय कुमार की राइडिंग में। बट आप जाइए 5 नंबर पे ब्लू वायलेंट पे, विन प्लेस के लिए बेस्ट है घोड़ा दोस्तों। और इसमें जो सबसे बड़ा फ्लूक, अगर कई लोग बोलते हैं कि फ्लूक्स भी देना साथ में, तो जो फ्लूक्स बड़े भाव का अगर कोई चाहिए आपको, तो बड़े भाव का घोड़ा जो है नंबर 7 ग्रीन, इसे प्लेस के लिए आप रख सकते हैं थोड़े अमाउंट में, बट चांस लेने की बात है। बट जाना आपको किसके साथ है, नंबर 5 ब्लू वायलेंट विन प्लेस। अब आते हैं रेस नंबर 3rd, 1200 मीटर की है दोस्तों। नो डाउट घोड़े सारे अच्छे हैं। 2:40 PM पे है। ये भी क्लास 4th की रेस है दोस्तों। इसमें जो घोड़ा है दोस्तों वो है नंबर 1 एक्सफिनिटी विन प्लेस के लिए। नंबर 1 एक्सफिनिटी विन प्लेस के लिए डेफिनेटली विन मारना चाहिए, नहीं तो प्लेस तो पक्की है इसकी। और अगर इसमें सेकंड चॉइस जो है वो है नंबर 5 मंडाल रे। ये भी घोड़ा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आज फ्लूक्स के चांस हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे सारे फेवरेट ही दिए हैं हैदराबाद ने। और बड़ा फ्लूक बोले तो इसमें स्टोरी टेलर है। ये बहुत कम वेट में जा रहा है दोस्तों, 5 किलो और वेट अलाउंस दिया है इसको। अगर मारे तो ये विन भी मार सकता है। अब आते हैं 4th रेस में दोस्तों। 4th रेस 1200 मीटर 3:15 पे। ये क्लास 5 की रेस है। ये रेस थोड़ी डेंजर रेस है दोस्तों, इसको थोड़ा देख करके खेलेगा, क्योंकि इसमें जो विन प्लेस के लिए पसंद है मुझे वो है नंबर 6। जो विन प्लेस के लिए पसंद है वो है नंबर 6 बेटर रेडी। घोड़ा अच्छा है, प्लेस तो डेफिनेट लेगा ही लेगा। और एक घोड़े की वर्किंग बहुत अच्छी है, वो है नंबर 8 एक्सपोनेंट, रामास्वामी का घोड़ा है। ये प्लेस मिल जाए तो इसे प्लेस के लिए। ये रेस फ्लूक रेस है दोस्तों, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये रेस थोड़ा देख के खेलेगा दोस्तों, क्योंकि ये रेस थोड़ी टिपिकल है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है। बड़े फ्लूक के आसार करते हो कि कोई बड़ा प्लेस मिल जाए, तो अगर ज़्यादा भाव में थोड़ा अमाउंट में कवरिंग के लिए रखना चाहते हो तो नंबर 1 एलोरी स्प्राइट को रखिए, घोड़ा अच्छा है।
अब आते हैं रेस नंबर फिफ्थ, 1200 मीटर है दोस्तों। ये क्लास वन की रेस है, इसमें सारे ही घोड़े अच्छे हैं दोस्तों, बट इसमें लाइटनिंग बोल्ट उम्मीद है कि ये विन करे। प्लेस तो डेफिनेट इसकी आएगी, अगर प्लेस में कुछ भी मिले तो शायद ले सकते हैं, लेकिन ये हैदराबाद है दोस्तों, बोल नहीं सकते। इसमें फेवरेट या तो विन होता है या तो बोर्ड आउट ही हो जाता है। और दूसरा जो सेकंड चॉइस है इसमें वो है दोस्तों स्मैशिंग ब्लू, ठीक है दोस्तों। और कई लोगों का कहना होता है बड़ा फ्लूक दो, तो इसमें बड़ा फ्लूक जो है वो नंबर 10 दी ग्रेट गैट्सबी। इसमें प्लेस थोड़ी कवरिंग के लिए 150 रखना चाहो तो रख सकते हो। अब आते हैं रेस नंबर 6, 1600 मीटर। ये दोस्तों फोर्थ क्लास की रेस है, 4:25 पे। और इसमें जो सिंगल चॉइस जो मैं दे रहा हूँ वो है नंबर 7 विन प्लेस। प्लेस तो इसकी पक्की होनी चाहिए घोड़े की, घोड़ा बहुत अच्छा है, नो डाउट विन भी मारेगा। और इसमें जो लोग फ्लूक के लिए पूछते हैं दोस्तों, उनके लिए फ्लूक के लिए इसमें एक नंबर घोड़ा द बेस्ट बडी, ये विन भी मार सकता है, नज़र रखने वाली बात है। इसमें 2-3 घोड़े अच्छे हैं, 5 नंबर कैंपेनिया भी अच्छा है, लम्हा तो मैंने दिया ही है। और बड़ा फ्लूक बोले तो ग्रैंड फिनाले, इसकी भी अगर प्लेस ज़्यादा भाव की हो तो थोड़ा कवरिंग के लिए रख सकते हैं। अब आते हैं रेस नंबर 7, लास्ट रेस ऑफ द डे। ये क्लास 5 की रेस है, ये 1200 मीटर की है। इसमें दोस्तों जो मेरी चॉइस है लास्ट रेस वो है नंबर 4 विन प्लेस। घोड़ा अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा घोड़ा है, विन मारने के चांसेस दिख रहे हैं और विन होना चाहिए घोड़ा 7 नंबर में। लास्ट रेस में पटेल ट्रेवर बैठ के है। और इसमें अगर आपको प्लेस खेलना है, दो बड़े फ्लूक खेलना है आपको, अगर इसमें बड़े फ्लूक आपको खेलना है दोस्तों, तो आप नंबर 2 NRI टच को प्लेस के लिए, और दूसरा जो है वो है जो मिलानो, जो मलानो। इसकी प्लेस अगर ज़्यादा मिले तो इसे खेल सकते हैं, अगर थोड़े अमाउंट खेले दोस्तों। आज की रेस भी थोड़ी टफ है दोस्तों, लास्ट रेस भी थोड़ी फ्लूक जैसी दिख रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपका दिन सुबह अच्छा हो, मैंने बेस्ट टिप्स दे दी है। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ड्रीम्स टू सक्सेस ओनली सक्सेस फॉर रेगुलर टिप्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, और कहता हूँ कि प्लेस अगर अच्छी मिल जाए तो प्लेस पे ही खेलिए, एक दो रेस की विन अगर अच्छी मिल जाए। 2 बेस्ट जो है वो मैंने आपको बतानी थी, वो भी मैं बता देता हूँ। नंबर 1 में नंबर 14 खेल लीजिए और लाइटनिंग बोल्ट, ये 2 बेस्ट है मेरी, आने चाहिए बोर्ड पे घोड़े। अब हैदराबाद है, बोल नहीं सकते दोस्तों, बट विन मारने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिए, आने वाले दिनों के लिए टिप्स के लिए रेडी रहिए, अगस्त में सारी टिप्स आने वाली है। तो संभल के खेलिए, अभी रेसेस रेगुलर शुरू हो जाएगी अगस्त से, अभी पहले स्टार्ट हुई है रेसिंग। इसका ट्रैक कैसा है, घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं, 2-4 रन होने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा अमाउंट खेलिए।